एक प्रश्न प्रश्न ये है कि सेंट्रल पिलर क्या है। चाइनीज बुद्धिस्ट स्कॉलर को आप पूछो तो सब लोग जानते हैं लगभग कि सेंट्रल पिलर क्या है, खास करके कुचा एक रीजन है जहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे जो बौद्ध मंदिर जब बनाए गए प्राचीन काल में इस प्रकार से कहीं शैलगिरि जब बनाए गए तो बड़ा अजीब सा बीच में एक उनका ये हॉल होता था और बीचों बीच एक ह्यूज बहुत ही बड़ा मोटा सा ऐसा, उसको और कोई शब्द नहीं मिलता तो सेंट्रल पिलर लोग बोलते हैं क्योंकि वो छत से जुड़ा हुआ होता था, सेंटर में होता था, भवन के सेंटर में होता था, हॉल के सेंटर में। और फिर जो है ना उसको आप इस प्रकार से परिक्रमा कर सकते हैं, यहाँ से जा सकते हैं, और जो परिक्रमा जो पथ है उसको उन्होंने वॉल्ट बनाया था और फिर पीछे जाते हैं और इस प्रकार से उसको और वहाँ पे बुद्ध भगवान की प्रतिमा बनाई गई थी। तो ये सेंट्रल पिलर क्या है, इस पर बहुत बड़ा रिसर्च हो रहा है और चाइना में अलग अलग प्रकार से लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं कि क्या है ये। हालांकि ये शब्द अपने आप में अच्छा नहीं है, लेकिन दूसरा कोई शब्द नहीं है। तो मुझे कुछ मित्रों ने, विद्वानों ने, कुछ प्रोफेसर्स ने, जर्मनी में हमारे कुछ मित्र हैं प्रोफेसर्स हैं और चाइना में भी, उन्होंने इस प्रकार से मुझे पूछा कि भैया जनता में ऐसा कुछ मिलता है क्या, ये सेंट्रल पिलर क्या है। तो ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब मैंने इस पर अन्वेषण प्रारंभ किया तो 3-4 साल पहले की बात है, मैंने गहन अन्वेषण किया, मुझे बहुत रोचक चीज़ें पता चली। तो बात यह है कि हम इसकी कहानी की शुरुआत, एक सेंट्रल पिलर की कहानी की शुरुआत करता हूँ, ये वीडियो में पहली बार बना रहा हूँ, बहुत मज़ा आएगा। लेकिन दुर्भाग्य से क्या है कि मैं उसका स्लाइड नहीं दिखा पा रहा हूँ और जब तक आप उसको देख नहीं लेते हैं ना तब तक मैं ये समझ नहीं पाएंगे, और वैसे भी आप उसको देख नहीं पाएंगे क्योंकि अजंता अगर आप जाते भी हैं तो आपको अनुमति नहीं मिलेगी उस, क्योंकि ये सेंट्रल पिलर अजंता में जो है ना वो श्राइन के अंदर है जिसको हम लोग गर्भगृह बोलते हैं। गर्भगृह शब्द करेक्ट नहीं है क्योंकि वो हिंदू आर्किटेक्चर में इस्तेमाल हो रहा है, जब अजंता बना था उस टाइम पे मेरी थ्योरी के मुताबिक हिंदू आर्किटेक्चर था ही नहीं, मतलब 5th सेंचुरी की बात कर रहे हैं। बाकी विद्वानों का ऐसा मानना है कि हिंदू आर्किटेक्चर, कुछ लोग ऐसा भी बोलते हैं 4th सेंचुरी भी, अर्ली 5th सेंचुरी भी, 5th सेंचुरी ऐसा बोलते हैं लोग आर्किटेक्चर पर, विद्वान लोग बोलते हैं। मैं थोड़ा सा, मुझे थोड़ी प्रॉब्लम है उस बात को समझने में, अकाट्य प्रमाण कोई मुझे ला करके दे कि 4th सेंचुरी में कोई मंदिर बनता था या उससे पहले भी मंदिर बनते थे हिंदू मंदिर, तो मैं मान लूंगा, वरना मैं नहीं मानूंगा। पुरातत्व का मतलब ही है फिजिकल एविडेंस, हिस्ट्री एक अलग विधा है, ऐसे भी इंडोलॉजी भी एक अलग विधा है, बुद्धि स्टडीज अलग विधा है, एपिग्राफी एक अलग विधा है, न्यूमिज्मेटिक्स एक अलग विधा है, ये अलग अलग डिपार्टमेंट्स भी हैं यूनिवर्सिटीज में। अब इन सब का अलग अलग विशिष्टता है तभी ये अलग अलग है, ऐसे आर्कियोलॉजी भी अलग है, मिक्सअप नहीं करना चाहिए सभी को। हिस्ट्री एक अलग विधा है, आर्कियोलॉजी एक अलग विधा है। आर्कियोलॉजी का पूरा काम फिजिकल एविडेंस पे आधारित होता है, ऐसा कोई भी, इसलिए हिंदू टेम्पल का जो इतिहास है उस पर फिजिकल एविडेंस जो है हमको ये 5वीं सदी से पहले का नहीं मिलता है। हालांकि मूर्तियां मिलती हैं, अब वो किस प्रकार की पूजा होती थी, पर्सनल गॉड थे, घर में रखते थे या कहीं पे और श्राइन रखते थे, क्या करते थे, कुछ वास्तुशिल्प होता था या नहीं था, ये सब स्पेकुलेशन का बात है और ये वीडियो में हिंदू टेम्पल आर्किटेक्चर नहीं बना रहा, लेकिन मेरा ये कहने का तात्पर्य है कि 5th सेंचुरी में जब ये जो, और बुद्धिस्ट लोग तो उससे पहले फिजिकल एविडेंस है, अभिलेख है, सारे डेट है, सब कुछ है, वो अशोकन टाइम से ही बना रहे हैं सब। तो जब ये बनाना जब चालू किए ये लोग शुरू में अजंता में, जैसा कि मैंने कहा कि वो शुरू में श्रावक यानिस थे, तो क्या हुआ ना कि 468 ईस्वी के दौरान रिफ्यूजी बहुत से आए, गंधार से आए, ऐसा मेरा सिद्धांत है, मैंने ऐसा लिखा है, वो गंधार से आए। गंधार में पहले से ही, बहुत पहले से ही ट्राई फंक्शनल आर्किटेक्चर था, यानी ऐसा भवन जिसमें भिक्षुओं के रहने की भी व्यवस्था थी, हॉल भी था
कॉन्ग्रीगेशन असेंबली, डाइनिंग या रेस्टिंग करने के लिए, पूजा करने के लिए, सभा के लिए, और उसमें पूजा की भी व्यवस्था, यानी पूजा वर्शिप ड्वेलिंग एंड कॉन्ग्रीगेशन, थ्री मेजर फंक्शंस, ये तीनों थे ऐसे भवनों में। और गांधार में, नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया में, प्रायः ऐसे भवन की छतें समतल हुआ करती थी, क्योंकि उनका केव नाम का कोई चीज नहीं था, वहां पे स्ट्रक्चरल आर्किटेक्चर था। आज जो हम बनाते हैं, ईंट से बनाते हैं, पत्थर से बनाते हैं, मिट्टी से बनाते हैं, लकड़ी से बनाते हैं, वो एक विशिष्ट प्रकार का आर्किटेक्चर था। वह आर्किटेक्चर, ट्राई फंक्शनल आर्किटेक्चर, भारत में 800 साल तक, 5th century तक, अशोकन टाइम से लेकर के भारत में शैलगृहों में, बुद्धिश्वरों आर्किटेक्चर में, इस भूभाग में प्रचलित नहीं था। हालांकि आंध्र में सिनेलक था, मथुरा और नॉर्थ गंजेटिक वैली में सिनेलक था, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। ये कुछ विशिष्ट प्रकार के, इसके लिए मैंने एक वीडियो में यान की बात की कि हर एक व्हीकल, यान मतलब व्हीकल, आप उसमें सवार होते हैं और सवार होकर के जाते हैं, वो आपको कहीं ले जाता है, आपका मार्ग पथ ले जाता है, उसको आप फॉलो करते हैं। इसके लिए श्रावक यान एक ऐसा यान था जो अर्लीस्ट बुद्धिज्म था, उसको वो, कुछ लोग उसको ऑर्थोडॉक्स भी कह सकते हैं, मैं उसको ऑर्थोडॉक्स शब्द प्रयोग नहीं करना चाहता। तो कहने का मतलब है कि ये जब 5th century में भी उसी स्टाइल में ये बना रहे थे, इस प्रकार से अलग अलग रहने के लिए अलग बिल्डिंग, हॉल एक अलग बना रहे थे और पूजा करने के लिए अलग बना रहे थे, ये सिस्टम चल रहा था। अब वहाँ पे जब ये रिफ्यूजी लोग आ गए, हूनों के उत्पात के कारण जो विस्थापन हुआ बौद्धों का, वो यहाँ पे आकर के जब शरण लेते हैं इस एरिया में, इसी एरिया में, इसी भूभाग की जब बात मैं कर रहा हूँ, तो फिर उन्होंने कहा कि आप ये क्या कर रहे हो। ये अफकोर्स मैं अपनी भाषा में ये बात समझाने के लिए कर रहा हूँ कि आप ये तीन अलग अलग भवन बना रहे हो, तीन अलग अलग पर्पस के लिए। हम तो ऐसा बनाते हैं कि भाई एक ही भवन में तीनों, हमको खर्चा भी बचता, टाइम भी खर्चता, उतना पैसा भी नहीं चाहिए, उतना मेहनत भी नहीं चाहिए, आप क्यों कर रहे इतना। ये इतना एक पावरफुल आइडिया था आर्किटेक्चर के बारे में। आर्किटेक्चर साइंस है, साइंस है आर्किटेक्चर, आस्था अपनी जगह पे है। भगवान कोई बना, भगवान कुछ बोल करके नहीं गए कि तुम ऐसा ही भवन बनाना। तो कहने का तात्पर्य यह है कि उन्होंने वो आइडिया स्वीकार लिया। स्वीकारने के बाद क्या किया कि भाई उनको ये पता चला कि ये जो मैं एक डॉर्मिटोरी बना रहा था, केवल एक हॉल बना रहा था, उसमें प्रकोष्ठ बना रहा था, उन्होंने बोला कि इसके ही जो एक्सिस है, जो सेंटर में जब आप जहाँ सेंटर करते हैं और बाद में हॉल में घुसते हैं, वो जो एक्सिस है, जो मध्य रेखा है, उसके ही अंदर में काट करके वो जो अगर आपने उसमें प्रकोष्ठ बनाए हुए हैं, उस प्रकोष्ठ को ही थोड़ा सा तोड़ फोड़ करके और मिला करके और बड़ा कर करके उधर ही आप एक श्राइन बना सकते हैं और उधर ही स्तूप बना सकते हो, पूजा भी उधर कर सकते हो। ये आइडिया वहां पे तुरंत एक्सेप्ट हो गया जनता में, इमिडिएटली प्लान चेंज हो गया। और ये प्लान चेंज की जो शुरुआत हुई, सबसे पहला प्रयोग, क्योंकि भवन आधे बनकर तैयार हो गए थे, किसी में पोर्च बनकर तैयार हो गया था, किसी में हॉल आधा बन गया था, किसी में हॉल पूरा बन गया था, किसी में पीछे वाली जो दीवार है हॉल के, जो पीछे जो कमरे थे वो भी बनकर तैयार हो गए थे। अब इसमें अगर आपको बनाना है तो मतलब कि आमूल चूल परिवर्तन करना पड़ेगा। और शुरू में डॉर्मिटोरी आप बना रहे थे, उसमें पेंटिंग नहीं चाहिए, स्कल्पचर नहीं चाहिए, एम्बेलिशमेंट नहीं चाहिए, सावकों के रहने के लिए उनको इतना रंग बिरंगा सतरंगा उनको घर नहीं चाहिए, ठीक है, लेकिन मंदिर जब बनाएंगे तो सब कुछ चाहिए होगा। तो कहने का मतलब कि ये जो टाइपोलॉजिकल जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, टाइपोलॉजिकल शिफ्ट हुआ, टाइपोलॉजिकल चेंज हुआ, मोनो बाईफंक्शनल आर्किटेक्चर को अगर आप ट्राई फंक्शनल में करते हैं, पूजा बनाते हैं, अब आप इसको मंदिर बनाएंगे, तो इसका मतलब कि अब ये पूरी तरीके से एक नई संयोजन आपको करनी पड़ेगी जी। दीवारों में आपको नैरेटिव पेंटिंग बनाना पड़ेगा, भगवान बुद्ध के बारे में कथाएं करनी पड़ेगी, सीलिंग को पेंट करना पड़ेगा, पिलर को पेंट करना पड़ेगा, स्कल्पचर बनाने पड़ेंगे, ये सब करने पड़ेंगे, सारा एम्बेलिशमेंट आ, डेकोरेशन आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा, पूरा प्लान चेंज हो गया। और एक केब में नहीं हुआ, सारे केब में हो गया। इसी प्रकार से तो इसके कारण ऐसा हुआ, चूंकि अब हम मैंने पिछले वीडियो में ऐसा बताना शुरू किया, क्योंकि 5th century AD में जब वो बना रहे थे तो केवल
दो ही मंदिर बना रहे थे जैसा मैंने आपको कहा, केव नंबर 19 और केव नंबर 26, और बाकी 15 से 17 जो थे वो केवल उसमें वर्शिप की व्यवस्था नहीं थी, दे वर डुओ फंक्शनल थे लेकिन वर्शिप की व्यवस्था नहीं थी, ठीक है। अब वो सारे मंदिर को बोलते हैं कि हम ट्राई फंक्शनल बना देते हैं, सभी में श्राइन बनेगा। और जब वो बनाना चालू किए तो पॉइंट टू बी नोटेड, अभी भी जब 468 ईस्वी में ऐसा हुआ, ऐसे मेरी थ्योरी के मुताबिक, मेरे सिद्धांत के मुताबिक 465 में उन्होंने बनाना चालू किया। और जब बनाना चालू किया तो क्या बनाना चालू किया, यानी जिसको आप श्राइन बोलते हैं, वह स्तूप श्राइन था, चेतीय घर था। चेतीय घर का शाब्दिक अर्थ है चेतीय के लिए घर, बस। और अर्ली आर्किटेक्चर में केवल एक कमरा जैसा था और उसमें बीच में चेतीय था, वह भी चेतीय घर था, और उसका सीलिंग फ्लैट था, वह भी चेतीय घर है। चेतीय घर शब्द से किसी को ऐसा नहीं समझना चाहिए, ज्यादातर बुद्धिस्ट स्कॉलर या इंडियन आर्किटेक्चर या इंडियन हिस्ट्री या इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट के मन में एक भ्रांति है कि चेतीय घर शब्द का मतलब है कि वॉल्ट होना जरूरी है। जी नहीं, वह एक अलग प्रकार का चेतीय घर था। चेतीय घर में कई प्रकार थे, फ्लैट सीलिंग के भी चेतीय घर हैं और वॉल्टेड भी चेतीय घर है, चौकोर भी चेतीय घर हो सकता है और एपसाइडल भी चेतीय घर हो सकता है। यह भी मंदिर है और वह भी मंदिर है, दोनों में कोई फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं है। कम से कम जो उपासक थे उनके लिए कोई फर्क नहीं था, वो इधर भी पूजा करते उधर भी पूजा करते, भवनों की डिजाइन में फर्क है बस। अब इसको लेकर के हमारे आधुनिक विद्वानों ने इतनी बड़ी इस तरह से जो है ना संकल्पनाएं कर ली हैं, यह संकल्पना यथार्थ से मेल नहीं खाता। तो खैर, मेरा यह कहने का तात्पर्य है कि ये चेतीय घर बनाना उन्होंने चालू किया। गर्भगृह शब्द का प्रयोग मैं नहीं करता हूं, गर्भगृह शब्द हिंदू टेक्स्ट आर्किटेक्चर के टेक्स्ट में आता है और उस समय में था ही नहीं, और बौद्ध लोग कम से कम हिंदू टेक्स्ट तो यूज नहीं कर रहे थे और ना ही हिंदू लोग कोई अपने मंदिर बनाने के कारण में बौद्ध ग्रंथ यूज कर रहे थे। ये आर्किटेक्चरल हिस्टोरियन से एक बहुत बड़ी मिस्टेक हुई है। कई बार वजंता पेंटिंग को डिस्क्राइब करने के लिए विष्णु धर्मोत्तर पुराण का एग्जाम्पल दे देते हैं, चित्र सूत्र का एग्जाम्पल दे देते हैं, प्रतिमा लक्षण का एग्जाम्पल दे देते हैं, संभ्रांगण सूत्रधार का एग्जाम्पल दे देते हैं, माया मतम का एग्जाम्पल दे देते हैं। ये सारे हिंदू आर्किटेक्चरल टेक्स्ट है और प्रमाण है कि इसमें से कोई भी टेक्स्ट अस्तित्व में था ही नहीं। जो मैन्युस्क्रिप्टोलॉजी पढ़ते हैं, जो पेलियोग्राफी पढ़ते हैं, जो एपिग्राफी पढ़ते हैं, जो लैंग्वेज की हिस्ट्री पढ़ते हैं, उनसे आप पता कर ले सकते हैं प्रमाण के आधार पर। अस्तित्व में नहीं था ये सारे ग्रंथ जब ये सब बन रहा था। तो कहने का मतलब ये है कि बौद्ध प्राचीन बौद्ध मंदिरों को समझने के लिए आपको प्राचीन बौद्ध ग्रंथों में जाना पड़ेगा, अगर ग्रंथों में जाने की आवश्यकता है, ना कि किसी और धर्म के। इस तरह का मिस्टेक हम लोगों का मॉडर्न स्कॉलर, दिस काइंड ऑफ मिस्टेक हैज बीन डन बाय मॉडर्न स्कॉलर इन मॉडर्न स्कॉलरशिप। सो आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ आर्किटेक्चर हैज बीन सीवियरली कॉम्प्रोमाइज्ड और इनएक्यूरेट, एंड देयर इज अ स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट एट लीस्ट। बट एनीवे, मैं ये बताना चाहता हूँ कि वो चेतगिर बनाना चालू किया उन्होंने, और चेतगिर जब बनाना चालू किया तो वो स्तूप बना रहे थे। इस प्रकार से सारे केव में चालू हुआ, केव नंबर 11 में चालू हुआ, केव नंबर लोअर 6 में चालू हुआ, उसके बाद आपको केव नंबर 7 में भी चालू हुआ, और केव नंबर 16 में चालू हुआ, और 19 में तो स्तूप बन ही रहा था, केव नंबर 26 में स्तूप बन ही रहा था। इस प्रकार से इन सारे में स्तूप बनाने की योजना थी। और प्रोफेसर वाल्टर स्पिंक ने, ये मेरा रिसर्च नहीं है, ये प्रोफेसर वाल्टर स्पिंक ने ऑलरेडी डॉक्यूमेंट करके लिख दिया है, लेकिन मैंने उसको दोबारा अन्वेषण किया और मैंने पता, लेकिन प्रोफेसर वाल्टर स्पिंक ने एक चीज तो बताई लेकिन उसका कॉन्टेक्स्ट, उन्होंने संदर्भ उसका वो बता ना पाए कि कहां से आया, सडनली ऐसा चेंज उन्होंने क्यों किया, ये वो नहीं बता पाए, उनके सारे पुस्तकों में नहीं मिलेगा। यहां पे मेरा एक्सप्लेनेशन ये कि ये रिफ्यूजी आए थे जी, जिसके लिए मैंने अनेक प्रकार के
प्रमाण उपस्थित किए थे कि इस प्रकार का एक रिफ्यूजी क्राइसिस हुआ था और वह गंधार से आई थी, और वहां से आकर के इन्होंने ये चीज आइडिया इंट्रोड्यूस किया था, इस टाइप ऑफ ट्राई फंक्शनल आर्किटेक्चर। तो इस बात को हम समाप्त करते हैं, अब आते हैं जाते हैं इसे थोड़ा सा आगे जाते हैं। 465 ईस्वी में ये काम भी इन्होंने चालू किया है, चेतिया घर बनाना ट्राई फंक्शनल आर्किटेक्चर में, और 465, 466, 467 तीन साल तक सारे केव में इस तरह से बनाने की सिस्टम चालू होती है। लेकिन 468 ईस्वी के आसपास एक और चीज हुई, एक और बहुत बड़ा जन समुदाय विस्थापित होकर के नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया में, यानी एक मास माइग्रेशन नहीं था, कई मास माइग्रेशन हुए थे, क्योंकि वहां पे जब भीषण उत्पात होता था तो पलायन लोगों को करना पड़ता था। और आइकोनोग्राफी और आर्किटेक्चर और न्यूमिज्मेटिक्स और आर्टिफैक्ट्स, ये एक बहुत ही ह्यूज डेटा साइंस का एक्सरसाइज इस बड़े भूभाग में, आपको मध्य एशिया और वेस्ट एशिया से अगर आप करेंगे तो आप सूत्रों को मिला पाएंगे, एक एक लाइन को आप ज्वाइन करेंगे तो एक आकृति निकल के आती है, जो आकृति मैं आपको बता रहा हूँ। उस समय में वह जो विस्थापन हुआ वह ऐसा लगता है कि वह किसी एक विशिष्ट प्रांत से आए थे, गंधार था या फिर तक्षशिला था या सिंध था या कोई और जगह था, मैं नहीं बता सकता, लेकिन वहाँ पे अलग अलग प्रकार के बुद्धिस्ट थे, वहाँ पे महायानिस्ट भी थे, वहाँ पे आपको श्रावक यानिस्ट थे, और विभिन्न प्रकार के सब सेक्ट थे, पंथ थे। मूर्ति पूजा वो फर्स्ट सेंचुरी से ही कर रहे थे गंधार में, बल्कि फर्स्ट सेंचुरी बीसी से प्रारंभ हो गई थी वहाँ, यहाँ पे मूर्ति पूजा कहीं पे थी नहीं, मूर्ति की योजना अभी भी नहीं थी। लेकिन 468 में जब आए तो एक प्रकार के लोग आए जो मेरे आइडेंटिफिकेशन, मेरे पहचान के मुताबिक वह संभवतः सर्वस्तिवादिन थे। कालांतर में लगभग 2 या 3 शताब्दी के बाद, इन 7वीं शताब्दी में, अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर चार्ल्स वेलेमन, उनके मुताबिक यही सर्वस्तिवादिन, परंपरागत पारंपरिक सर्वस्तिवादिन के नाम से, जो 5th सेंचुरी में जिसे जाना जा सकता है, और इससे पहले से भी थे वो, लेकिन वो 7वीं सदी में उनको ही मूल सर्वस्तिवादिन कहा गया। उन्होंने कहा कि हम ही ओरिजिनल सर्वस्तिवादिन है जी, क्योंकि सर्वस्तिवादिन भी बाद में अलग हो गया और उनकी और भी शाखाएं बनी। तो कहने के, और प्रोफेसर शिंगलॉफ ने बहुत काम किया है, उन्होंने 50 साल काम किया, उन्होंने अजंता के सारे नरेटिव पेंटिंग्स, जितने भी जातक और अवधान सारे को बहुत ही गहराई से, कौन कौन से ग्रंथ, उन्होंने सारे बौद्ध ग्रंथों को जो ज्ञात हैं, जो पब्लिश्ड हैं, उनको खंगाल डाला, और उससे कई रोचक बातें पता चली। पॉइंट नंबर 1 कि महज एक दर्जन ऐसे बौद्ध कथाएं हैं जो अजंता में चित्रित हैं, वे पाली ग्रंथ में जो वर्जन आता है उससे मिलते जुलते हैं, वो भी पूरी तरह नहीं मिलते जुलते हैं, और ज्यादातर 70 से भी ज्यादा, एग्जैक्ट संख्या मुझे स्मरण नहीं आ रहा है, वे या तो सर्वस्तिवादिन, सर्वस्तिवाद वालों के जो उनके जो पिटक थे, त्रिपिटक थे उनके, उनका जो निकाय था, उनके जो ग्रंथ थे, या तो उनसे लिए गए हैं, या तो उस समय में जो प्रचलित था साहित्य, नॉन कैनोनिकल लिटरेचर जो बोलते हैं, या तो उससे वो लिए गए थे। तो और गौरतलब रहे, वो संस्कृत, उनके सारे ग्रंथ संस्कृत भाषा में ओरिजिनल थे, और तो अजंता में जो पेंटिंग्स हैं वो सारे के सारे ये संस्कृत ग्रंथों से मिलते जुलते हैं। ये 5th सेंचुरी में जो बाद में जो पेंटिंग बने वो सबसे 5th सेंचुरी में, ये सब सर्वस्तिवाद वालों के ग्रंथ से सबसे सन्निकट है, एग्जैक्ट नहीं है, सन्निकट है सबसे ज़्यादा। और इस पर मैं थोड़ा सा और कुछ स्पष्टीकरण देना चाहूँगा बाद में, लेकिन फिलहाल एक चीज़ समझ लेना बहुत ज़रूरी है कि अब हमारी स्थिति एक इतनी अजीब सी है कि अभी तक बौद्ध ग्रंथ जो हमें भारत से मिला है वो दो ही प्रकार के बौद्ध ग्रंथ, तो खैर भारत से
समाप्ति हो गया था 13वीं शताब्दी में, और भारत में तो एक भी बौद्ध ग्रंथ हमें मिला ही नहीं, और एक भी बुद्धिस्ट भी नहीं थे यहाँ पे 13वीं शताब्दी के बाद। उन्हें या तो आसमान खा गया या जमीन निकल गई, ये प्रश्न है, एक यक्ष प्रश्न है जिसका आंसर अभी तक कोई दे नहीं पाया है कि वो कहाँ चले गए 13 शताब्दी में। मैं भी इस वीडियो में कुछ बोलना नहीं चाहूँगा इस प्रश्न में, क्योंकि वो भी विवादास्पद हो सकता है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि कहने का मतलब ये है कि जब आज की तारीख में जो ये दक्षिण एशिया में, जो श्रीलंका में या साउथ ईस्ट एशिया में जो बुद्धिज्म जो है, ये पाली बुद्धिज्म है, और पाली बुद्धिज्म जो है, जो थेरवाद बुद्धिज्म है, ये थेरवाद बुद्धिज्म केवल एक शाखाएं थी, कम से कम ऐसे 20 अलग अलग बुद्धिस्ट स्कूल थे, बाकी सब एक्सटिंक्ट हो गए, खत्म हो गए, नष्ट हो गए। एक ही अभी तक चलते हुए आया है जो हम तक आया है, और इसके लिए केवल पाली ग्रंथ आया है, और यह पाली ग्रंथ अजंता के साथ में एग्जैक्ट मैच नहीं खाता है। इसका मतलब ये नहीं कह सकते हैं कि वो पाली बुद्धिस्ट थे, जी नहीं। हाँ, लेकिन कई चीजें मिलती जुलती है, तो ऐसा हम अवश्य कह सकते हैं कि वह श्रावक यान का कोई ऐसा पंथ, कोई ऐसा निकाय रहा होगा जो थेरवाद बुद्धिज्म से शायद कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ था, जिसको मैं अंग्रेजी में कोग्नेट बोलता हूँ, क्योंकि वो कालांतर में उनकी शाखाएं ऐसे 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 निकलती गई, कहीं ना कहीं वो इससे थे। एग्जैक्ट ये नहीं था, डेफिनेटली ये नहीं था, लेकिन उसका वो सिस्टर शाखा है, ऐसा कुछ हम कह सकते हैं। ये तो रह गया जनता का पाली से संबंध। अब आती है दूसरा आजाद मूल सर्वस्थीवाद में। सर्वस्थीवाद के ग्रंथों में भी जो बाकी जो जनता के जो चित्रण मैंने बताया कि 70 से ज्यादा उससे मिलते जुलते उन ग्रंथों से, उसमें भी एक गौरतलब बात यह है कि इन सर्वस्थीवाद ग्रंथों से भी हूबहू वर्जन नहीं मेल खाता। हम ये नहीं कह सकते कि वह सर्वस्थीवादी नहीं थे और वो उनके ग्रंथों में जो है वही चीज उन्होंने डिपिक्ट किया, नहीं। इस सेंचुरी में भी वो कौन थे वो नहीं मालूम, इसलिए नहीं मालूम कि वो एग्जैक्ट मेल नहीं खाता है, उससे सबसे निकटवर्तिक वर्जन है, लिटरेरी वर्जन जो आज हम तक आया है कालांतर में वो, और जो अजंता पेंटर ने जो ये पेंट किया वो एक सबसे निकटवर्ती है लेकिन एग्जैक्ट नहीं है। यानी वह अजंता पेंटर ने जो जो, जो पेंट किया और वहाँ पे जो बौद्ध भिक्षु थे वो जिसको फॉलो करते थे, उनका कौन सा पंथ था, कौन सा निकाय था, वो आज भी हम उस बारे में भी कुछ नहीं कर सकते, हमें नहीं जानकारी है, किसी को जानकारी नहीं है, लेकिन वह नियरेस्ट है, इसके लिए हम कह सकते हैं कि वह कोग्नेट सर्वस्थीवादिन के कोग्नेट थे, या तो सर्वस्थीवादिन ही थे या सर्वस्थीवादिन के कोग्नेट थे। तो जी, ये है हमारे नॉलेज की हालत, हमारे नॉलेज की स्टेटस, हमारा नॉलेज जो है 200 साल में लोगों का, हमारा नॉलेज जो है आधुनिक मानव का नॉलेज धीरे धीरे इस विषय के अंदर में बढ़ता जा रहा। हो सकता है कि भविष्य में और भी कुछ नए डिस्कवरी हों, और भी कुछ मैन्युस्क्रिप्ट्स मिले, और भी कुछ पता चले हमें, तो हो सकता है कि हमें क्लैरिटी आएगी, लेकिन आज ये स्थिति है। तो कहने का तात्पर्य है कि ये जो मूल सर्वस्थीवादिन थे या सर्वस्थीवादिन थे जो गांधार में थे और जो भारत में लुप्त प्राय हो गए थे, संभवतः ये आंध्र में थे, लेकिन एक बात ध्यान रहे कि 325 लगभग 325 ईस्वी के बाद आंध्र और अमरावती और नागार्जुन कोंडा वो उसमें सारे के सारे खत्म हो चुके थे। शायद वहाँ पे हिंदुइज्म आ चुका था या क्या आ चुका था, मैं ज़्यादा अध्ययन नहीं किया वहाँ के बारे में, लेकिन फैक्ट ये है कि वहाँ की बुद्धिस्ट आर्कियोलॉजी उसके बाद समाप्त होती है, 4th सेंचुरी में खत्म हो जाती है। वो हायाटस जो मैंने जो मेरा जो हायाटस है, हायाटस वन जिसको मैं बोलता हूँ, इट अप्लाइज टू अ लार्ज पार्ट ऑफ सेंट्रल इंडिया एज वेल एज साउथ इंडिया। सो मैं ये बताना ये चाहता हूँ कि कहने का तात्पर्य ये है कि अमरावती से ये आ ही नहीं सकता था, नागार्जुन कोटा से आंध्र से नहीं आ सकता था, देवर फॉलोइंग वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चरल ट्रेडिशन, इट डिड नॉट कम फ्रॉम देयर, इट केम फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया, वहाँ से ये चीज़ आई जी, इसके साथ में आया क्योंकि कई चीज़ें मिलती जुलती है। तो ये मूल स्मृति, अब ये मूर्ति पूजक थे, गौरतलब ये है कि ये श्रावक यानिस तो थे लेकिन मूर्ति पूजक थे, क्योंकि श्रावक यान तो एक बहुत बड़ा यान है और इसके अंदर में दसियों दर्जनों जो है ना शाखाएं थी, अलग अलग प्रकार के सब बहुत थे, अलग अलग प्रकार का उनका विश्वास था, अलग अलग स्थान में विश्वास था।
तो कहने का मतलब ये है कि अब आप देखिए, इसका एक एग्जांपल मैं दिलाना चाहूँगा। मैं हिंदू हूँ और हिंदू के हिसाब से कई चीज़ें मैं जानता हूँ। इसके लिए आप फॉर एग्जांपल आज की तारीख में ले लीजिए, कृष्णा कल्ट को ले लीजिए जी, अब विष्णु भगवान को लीजिए। अब वहाँ पे पद्मनाभ स्वामी टेम्पल केरल में, वहाँ पे वो शेषशाही हैं जी। उनका रिचुअल अलग है, उनकी कथा अलग है, उनका पूरा माइथोलॉजी अलग है, उनका ग्रंथ अलग है, उनका सब कुछ अलग है वहाँ पे, ठीक है। अब उन्हीं के एक अवतार है, मान लीजिए कृष्णा कल्ट को एग्जांपल आप लीजिए। अब उसी विष्णु भगवान को लीजिए, आप बालाजी को आप लीजिए, वहाँ सब कुछ अलग है। वो कर्जे में डूबे हुए हैं, कुबेर से कर्जा लिए थे, वापस नहीं कर पाए। अब जाइए वहाँ पे चढ़ाइए, इतना वो एक बहुत ही अलग सिस्टम है वहाँ पे। उनकी सब कथाएं भी अलग, पूरा का पूरा वो भक्ति, पूरा बालाजी से संबंधित जो भक्ति है वो एक पूरे एक अलग संसार है। पद्मनाभ स्वामी संबंधित जो भक्ति है वो पूरा एक अलग संसार है। आप इस प्रकार से आप चले जाइए, नहीं तो पूरी चले जाइए, वहां पे जगन्नाथ जी, वो एक अलग संसार है। उसकी आइकोनोग्राफी भी अलग है, उनके टेक्स्ट भी अलग है, उनके लीजेंड्स भी अलग है, सब कुछ अलग है, रिचुअल भी अलग है, सारा सिस्टम अलग है, भोग भी अलग है। अब आ जाइए फॉर एग्जाम्पल आप मथुरा में, अब मथुरा में आइए तो फिर वहाँ पे अलग, वो द्वारकाधी से इज द किंग। और 20 किलोमीटर दूर आप चला जाइए व्रज में, अब व्रज में जाने पर वो लड्डू गोपाल जी हैं जी, उनको नलाओ, उनको खिलाओ बच्चा, उनको झुलाओ, सारा कुछ अलग, सारा सिस्टम अलग है। ये आस्था जो है वो अलग अलग प्रकार से वर्णित है अलग अलग प्रदेश और प्रांत में। मैं ये इस इलस्ट्रेशन से मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आज भी अगर कोई धर्म को ध्यान से देखे कि हाउ रिलीजियन इज प्रैक्टिस्ड, इट इज प्रैक्टिस्ड डिफरेंटली इन डिफरेंट वेज इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ इंडिया एंड एनी अदर प्लेस। अब कृष्णा कल्ट को लीजिए, नया कल्ट आया है, इसको मंदिर जो ला रहे हैं वो बोलते हैं कुछ कर्मकांड की आवश्यकता ही नहीं, बस महामंत्र का जाप करो और दूसरा कुछ भी नहीं चाहिए। लेकिन उन्होंने उसमें कीर्तन जोड़ दिया, ये सबसे जरूरी है, और म्यूजिक नहीं बजाना, रंग भोग अंग भोग ये पहले से भी था लेकिन सब जगह प्रैक्टिस में नहीं है, इसमें ये एक मूल है। तो इतने अलग अलग तरीके से रिलीजन को प्रैक्टिस किया जाता है अलग अलग प्रांत में, अलग अलग समुदाय में, अलग अलग काल में। इस चीज के आधार पर यह कह देना पैन इंडियन हिंदुइज्म जैसे एक मोनोलिथ हो, एक चट्टान हो और एक जैसा ही हो, अपरिवर्तित हो और एक समान हो, बिल्कुल फ्लैट, ऐसा नहीं है। एक डायनेमिक चीज है भक्ति, एक डायनेमिक चीज है, बहुत ही पर्सनल है, यूनिवर्सल भी है, कम्युनिटी बेस्ड भी है। इस तरह का मिस्टेक कभी भी नहीं करना चाहिए। इवन बुद्धिस्ट रिलीजन को और बुद्धिस्ट आर्ट एंड आर्किटेक्चर को समझने में भी ऐसा मिस्टेक नहीं करना चाहिए। वी शुड नॉट थिंक कि व्हाट वाज हैपनिंग इन मथुरा वाज शुड हैव बीन हैपनिंग इवन इन द अजंता केव्स, या आंध्र में जो हुआ वहां पे 1st century AD में आ गया मूर्ति पूजा, यहाँ पे 500 साल तक नहीं आया अजंता में, और मतलब किसी भी महाराष्ट्र के केव में नहीं आया। एक दो अपवाद मिलता है कहीं कहीं पर, वो भी बाहर से ही आया, उसके भी अभिलेख और फिजिकल आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है। तो कहने का मतलब ये है कि जब ये लोग आए तो ये मूर्ति पूजा की परंपरा लेकर के आए, और वो क्या सिचुएशन रहा होगा ये तो कल्पना का विषय है, मेरी दृष्टि वहां तक नहीं जाती, इसके लिए मैं उसके बारे में नहीं बोल सकता। ये सब भी जो बोल रहा हूँ वो एक नियरेस्ट अप्रोक्सीमेट अंडरस्टैंडिंग है जो मेरे रिसर्च में निकल के आ रहा है, और मेरे से पूर्व जो विद्वान हुए उनके नज़र में भी ये कुछ सूक्ष्म तत्व नज़र नहीं आए, जो मेरे शोध में कुछ नए डेटा और फैक्ट्स के कारण मुझे नज़र आए हैं। तो यहाँ पे मूर्ति पूजा इंट्रोड्यूस होती है और उसकी तारीख है 468 AD। 465 एडी में वो आर्किटेक्चर के अंदर में चेतिया घर बनाना चालू करते हैं। ग्रेट रेवोल्यूशन नंबर वन, ट्राई फंक्शनल, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्राई फंक्शनल आर्किटेक्चर विच आई एम सेइंग केम फ्रॉम गंधारा। और 3 साल के बाद एक दूसरा मेजर शिफ्ट होता है, दूसरा मेजर रेडिकल ट्रांसफॉर्मेशन होता है, और ये ट्रांसफॉर्मेशन जो है यानिक ट्रांसफॉर्मेशन है, क्योंकि इस समय में वो बुद्ध भव, अब वो बोलते कि हमको चेतिया नहीं चाहिए, 3 साल से वो चेतिया बना रहे, चेतिया बना करके रेडी भी नहीं किया उन चेतिया घरों में, प्रमाण है कि रेडी नहीं हुआ,
इसके लिए आपको वहां जाकर के स्टडी करना पड़ेगा। मैं वीडियो में नहीं दिखा सकता, फोटोग्राफ में भी नहीं दिखा सकते, क्योंकि बहुत से बारीक एग्जाम्पल वहां पे मेन बारीक एग्जाम्पल आपको छुपे में जाकर आपको देखना पड़ेगा, तो आप छेनी हथौड़ी के निशान आपको मिलेंगे, स्वतः ही सारी कहानी कह देंगे। तो कहने का मतलब ये है कि स्तूप का बनाना छोड़ करके उस पर वो मूर्ति बनाने लग गए, अधूरा छोड़ दिया, आज भी अधूरा है, उसके ऊपर में उन्होंने मूर्ति बना करके पूरा पूरा कर दिया। ये केव नंबर 11 में हुआ, ये केव नंबर लोअर 6 में हुआ, ये केव नंबर 7 में हुआ, ये केव नंबर 16 में हुआ, ये केव नंबर 15 में हुआ, ये केव नंबर 20 में हुआ, और केव नंबर 19 और 26 में भी केवल स्तूप की योजना थी, उसके ऊपर में भी, क्योंकि आप मूर्ति कैसे बनाएंगे, हॉल आपने पूरा चेतियागर काट दिया, वॉल्ट काट दिया, ऊपर से सीलिंग काट के हटा दिया, सारा हॉल ऐसा कर दिया, और बीच में इतना बड़ा स्तूप जो है वो पूरी तरह से रेडी नहीं हुआ था। प्रोफेसर वाल्टर स्पिंग ने ये सारा बहुत ही सिलसिलेवार तरीके से किया, उनका बहुत सारा रिसर्च, इनफैक्ट उनका मेजर रिसर्च और श्रीलफ का रिसर्च, ये सारे लोगों का रिसर्च मेरे बहुत काम आया है, ताकि मैं इसमें थोड़ा सा और आगे अपनी बात करने में सक्षम हो पाया हूँ, ड्यू टू मेनी अदर न्यू एविडेंस विच एस्केप देयर अटेंशन में बी, बट इट केम टू माई अटेंशन। सो वट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट कि वहां पे वो स्तूप को तो हटा नहीं सकते, इतना क्लियर है कि दे डिड नॉट वॉन्ट स्तूपा, दे डिड नॉट वॉन्ट स्तूपा, लेट इट बी वेरी क्लियर। बट केव नंबर 99 को उसको मूर्ति कैसे बनाएंगे, मोनोलिथ है, उनको मोनोलिथ बनाना है, मोनोलिथ रॉक कट आर्किटेक्चर के अंदर में अगर 800 साल के अंदर में एक चीज बहुत इंटरेस्टिंग आपको नजर आएगी, उसका जो इतिहास है, एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज नजर आएगी, और वो है कि वो अलग से कुछ भी ला करके नहीं लगाते थे, ऐसा प्रमाण नहीं मिलता है, वो सब कुछ मोनोलिथ ही बनाना चाहते थे। एकाश्म शब्द भी आता है, एक अश्म, अश्म मतलब पत्थर प्रस्तर, एकाश्म, वो एकाश्म बनाने पर अजंता के नंबर 26 के अभिलेख में एकाश्म शब्द का प्रयोग किया गया, कि ये मंदिर चैत्य मंदिर शब्द भी आता है, चैत्य मंदिर जो है वो एकाश्म बनाया गया, मोनोलिथ अंग्रेजी में एग्जैक्ट ट्रांसलेशन है। सो दे वर वेरी मच क्लियर अबाउट इट, स्ट्रक्चर बनाना से जो बनाओ, स्ट्रक्चर भी बन रहे थे जो आज नष्ट हो गए हैं, जो ईंट के बनते थे, लकड़ी के बनते थे, आज कुछ आए हैं, कुछ हम आर्कियोलॉजी में बहुत से फाइंड्स आए हैं, और लेकिन ज्यादातर नष्ट हो गए, 5% मिला है, 1% मिला है शायद, बाकी नष्ट हो गया। तो कहने का तात्पर्य यह है कि इस प्रकार से बुद्ध की प्रतिमा उन्होंने बनाना चालू की, और स्तूप के ऊपर ही उन्होंने फिर केव नंबर 19 और 20 में स्तूप बनाई, कार्व करके बनाया। प्रॉब्लम ये था कि भैया अब इसमें जो है ना, वो हम ये सेंट्रल पिलर की बात बता रहा था मैं, क्योंकि वो स्तूप बनाने के लिए पहले एक चौकोर, अगर आप स्तूप बनाना चाहते हैं, चेतिया घर बनाना चाहते हैं, तो एक कमरा पहले आपने स्क्वायर कर दिया, उसके बाद स्तूप बनाने के लिए उसका जो राउंड शेप है उसके लिए पहले आपको एक स्क्वायर पत्थर करना पड़ेगा, और बाद में फिर उसको तराश करके काट करके आप जो है ना उसको गोलाई करेंगे, आसान होता है। तो शुरू में उन्होंने ऐसे स्क्वायर बनाना चालू किया, जो सेंट्रल पिलर जिसको बोला जाता है, सेंट्रल पिलर अजंता में भी था, इसका प्रमाण है वहां, क्योंकि उन्होंने सेंट्रल पिलर बनाने के लिए यहाँ पे सामने से खोद के निकाल दिया, इधर खोद कर निकाल दिया, इधर खोद कर निकाल दिया, और पीछे से भी खोद करके निकाल दिया। के नंबर लोअर 6 में आप जाकर देख लीजिए, आपको मिल जाएगा के नंबर 4 में मिलेगा, ये सब तरह के मिलेगा। तो पहले वो ये बहुत क्लियर है कि ये जो है ना बनाना चाहते थे, अब बाद में फिर क्या किया उन्होंने, बोला कि नहीं अब हमको स्तूप चाहिए ही नहीं, तो उसी सेंट्रल पिलर पे फिर उन्होंने प्रतिमा काट दी, भगवान बुद्ध बनाया उन्होंने, शाक्यमुनि बनाया, और साथ में बोधिसत्व बनाने की जगह ही नहीं थी उस सेंट्रल पिलर में, तो सारे बोधिसत्व बड़े अजीब से ऐसे उन्होंने इस तरह से, सारे बोधिसत्व की तरह जगह नहीं था, भगवान बुद्ध को वो ऐसा नहीं कर सकते थे, भगवान बुद्ध को जितना जगह चाहिए उतना जगह चाहिए, लेकिन बोधिसत्व चूंकि अटेंडेंट है जी उनका, पंखा झलते हैं, तो वो उनको बहुत ही कम जगह दिया गया, और सारे सेंट्रल पिलर में ये प्रॉब्लम हुआ, सारे सेंट्रल पिलर में प्रॉब्लम हुआ, और प्रदक्षिणा की जरूरत नहीं, पीछे में अगर आपने पूरा नहीं काटा था, आधे में था, प्रमाण है सारा इनकम्प्लीट है, प्रदक्षिणा पत्र रेडी भी नहीं किया, कार्विंग भी रेडी नहीं किया, पेंटिंग भी नहीं किया, मतलब प्रदक्षिणा भी उनको नहीं चाहिए थी, क्योंकि स्तूप को प्रदक्षिणा चाहिए होती है, वह एक प्रकार का ऐसा बुद्धिज्म आया था उसमें प्रदक्षिणा नहीं चाहिए, कहीं अजंता में कोई प्रूफ नहीं कि प्रदक्षिणा हुई, वो ऐसा रिचुअल नहीं था उनको, पत्थर बोलते हैं, आपको वहां जाके देखना पड़ेगा। इनफैक्ट ऐसे
बहुत से प्रूफ हैं कि प्रदक्षिणा हुई नहीं। के नंबर 11 के पीछे जाकर आप देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। मैंने एक आर्टिकल, उसमें बहुत से फोटोग्राफ्स भी डाले, आप इंटरनेट पे भी जाकर बहुत सब देख सकते। तो बस ये यानी, तो मैं इसको बोलता हूँ बोधिसत्व यान, क्योंकि यहाँ पे ये बोधिसत्व यान है। ये भी श्रावक यान के अंदर में था, महायान के अंदर में नहीं था। श्रावक यान में बोधिसत्व यान तो अशोकन टाइम से इंट्रोड्यूस हो गया था, सेकेंड सेंचुरी से ही, बीसी से ही हमें मिलना चालू हो गया, जिसको आप अर्ली महायान बोलते हैं। बोधिसत्व की संकल्पना शुरू से ही थी, नए नए रिसर्च से भी निकल के आ रहे हैं। ये एक नया यान है, और ये नया यान है, और यह यान महायान में नहीं था, ये श्रावक यान के अंदर ही था, श्रावक सिस्टम के अंदर ही था। इसके लिए ये एक नया जो टर्म है हमने एम्प्लॉय किया है, बोधिसत्व यान। तो ये 5th century AD में जो 20 साल के अंदर में, 18 साल के अंदर में जो निर्माण कार्य हुआ अजंता के अंदर में, उसमें मैसिव शिफ्ट हुई। आर्किटेक्चर में रेडिकल ट्रांसफॉर्मेशन किए गए जी, पेंटिंग में किया गया, स्कल्पचर में किया गया, रिचुअल में हुआ, डिवोशन में हुआ, वर्शिप में हुआ, एवरीथिंग वॉज ग्रेटली चेंज। यान चेंज हो गया, एक ही शब्द आता है, यान चेंज हुआ। यान को चेंज होना एक बहुत बड़ी टाइटेनिक शिफ्ट थी, ये मैसिव शिफ्ट थी, कोलोसल शिफ्ट थी। ये मेरे रिसर्च का थोड़ा जो है निष्कर्ष है जो मैं इसमें कवर करना चाहता हूँ।